नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, इसे बस जिया जा सकता है। हमारी लाइफ में हम हर हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त का दर्जा दे पाते हैं और फिर वही दोस्ती सालों साल चलती है। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजरती है और सही मायने में सच्ची दोस्ती वही कहलाती है जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने का वादा रखती है। आज है फ्रेंडशिप डे और हम आपके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों के लिए हर दिन ही खास होता है, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्पेशल हो जाता है जो सिर्फ दोस्ती के नाम होता है। तो आज के इस शो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही दोस्तों से जिनकी दोस्ती मिसाल है। शो में गाना बजाना भी होगा, फ्रेंडशिप डे के तराने भी होंगे, साथ ही आपको मौका मिलेगा शो के जरिए अपने दोस्तों के लिए खास मैसेजेस देने का भी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए शो में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इन चार दोस्तों से जिनकी दोस्ती एक मिसाल है। ये चारों वैसे तो अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन सभी को म्यूजिक का इतना शौक था कि उन्होंने एक साथ मिलकर एक बैंड ही फॉर्म कर दिया। हमारे साथ हैं अंशु, सुशांत, सात और शिवम। स्वागत है आप सभी का। हाय। तो देखा आपने, ये दोस्ती है जिनको इन लोगों ने साथ ही एक बैंड फॉर्म कर लिया है। चलिए उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी दोस्ती हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम सुशांत है, ये साध है, ये शिवम है और ये अंशु है। हम लोग मंजिल मिस्टिक्स नाम से बैंड है, उससे हम लोग बिलोंग करते हैं। हम चारों काफी अच्छे दोस्त है। हम दोनों को, अंशु और मुझे, आए थोड़ा कम टाइम हुआ है इस बैंड के अंदर, पर ये लोग बहुत पुराने हैं। ये एक पूरा 12 लोगों का ग्रुप है जो कि एक क्वायर ग्रुप के नाम से है बेसिकली। तो आगे साथ आपको बताएंगे इसके बारे में। ये जो बैंड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के है जिसका नाम है मंजिल, जो कि खान मार्केट में है। तो वहां पर हम सब मिलते थे, वहां पर सीखते थे, वहां पर एक्चुअली म्यूजिक क्लास भी होती है, तो मिले वहां पर और ऐसी दोस्ती होती रही। स्टार्ट करने का बनाया कि यार चलो कुछ स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से रिलेटेड। और शिवम तो काफी पुराना है इसके अंदर। मैं इस ग्रुप में 5 साल से हूँ। हम लोग म्यूजिक सीखते हैं और सिखाते हैं। एक्चुअली हम लोग गांधी दर्शन से म्यूजिक सीखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जहाँ हम लोग एक साथ गा सके और इंजॉय कर सके। तो हमने एक बैंड बनाया जिसका नाम है मंजिल मिस्टिक। ये क्वायर ग्रुप है जिसमें हम 12 वोकलिस्ट हैं और 2-3 गिटारिस्ट हैं। हम लोगों ने ये हमारा बैंड 2012 में बना और फिर हमने धीरे धीरे शुरुआत की। पहले हम लोग खूब परफॉर्मेंस किए, फिर 2013 में हमें अच्छे स्टेज मिले और हमने गाने भी बनाए। हमने खुद के गाने कंपोज किए, हमारे खुद के एल्बम निकली है। इसी से पिछले साल हमारी खुद की एल्बम निकली जिसका नाम था मंजिल मिस्टिक्स। और बस हमारे पास एक नगीना है ये अंशु नाम से, ये जो कि परकुशनिस्ट है, काफी सारे ड्रम्स वगैरह बजा लेता है ये। मैं इसको लगभग 1.5-2 साल से जानता हूँ, ये बहुत बड़ा नगीना है हमारे लिए। और जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अब शो की शुरुआत ही और दोस्ती के नाम पर है, तो चलिए शुरुआत हो जाती है, कुछ गुनगुना दीजिए आप जो दोस्ती के। हम मंजिल मिस्टिक्स का सबसे पहला जो गाना था आओ हम लोगों ने सबने बहुत मिलके साथ में बैठ के एक गाना कंपोज किया था, हम वही आपको सुनाना चाहेंगे। तो लेट्स प्रेजेंट इट। ओके, आओ हम दोनों मिलें,
खूबसूरत और जीवन के साथ रंग तोड़ दे और साथ रहें तो बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर गाया आप लोगों ने। और अगर ऐसे ही दोस्त अगर साथ रहते तो सभी मुश्किलें आसान हो जाती है, चाहे कितने भी गम हैं। तो आज के इस फ्रेंडशिप डे पर आप भी हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस शो में आज गाना बजाना तो होगा ही, साथ ही आप कॉल करके अपने फ्रेंड्स को खास मैसेजेस भी दे सकते हैं और विश कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपने फ्रेंड को विश करिए आज के इस खास मौके पर। हम आपको नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 01202511063 1800180150 1525। तो इन नंबर पर कॉल करिए और अपने फ्रेंड को आप मैसेज दे सकते हैं, विश कर सकते हैं इस खास दिन पर। तो हमारे साथ लगातार बैंड बना हुआ है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, आपने जो ये परफॉर्मेंस करते होंगे इसमें कुछ खास मोमेंट होते होंगे जिसे आप शेयर करना चाहेंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हमेशा रहते हैं। जैसे हम लोग कभी जैसे किसी एनजीओ के लिए परफॉर्म करने गए हैं तो वहां पे हम लोग काफी मस्ती से परफॉर्म करते हैं। जैसे साद का मेरे को याद है, इसने एक बारी मतलब गाते गाते काफी जोश में आ गया था, गाते गाते लाइक वैसे वाला सीन हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहते हैं। शिवम कुछ शेयर करना चाहेगा शायद आपसे। एक बार हमारा एक परफॉर्म हो रहा था, हम लोग इतने जोश में थे कि गिटारिस्ट, वोकलिस्ट और जैम्बे प्लेयर किसी को नहीं पता था। एंड होते होते हम लोगों को ऐसे लगा कि अभी एंड नहीं हुआ है, स्टिल मतलब हम लोग उसी से बजा रहे थे। कभी कभार जैसे आप लोग बैंड में एंड करते हैं तो स्टिल आपको एक स्लो पेस पे आना पड़ता है धीरे धीरे, बट हम लोग एंड तक भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड में ही थे। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं और हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तब बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे जो थोड़े से हमसे जो बड़े लोग मतलब एज में जितने भी बड़े हैं तो कभी कभी बोरिंग होने लगता है, तो देमसेल्व्स एवरी टाइम दे कम अप एंड से समथिंग लाइक कि जिससे हम लोग पागलों की तरह हंसते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हम लोग संडे को मिलते हैं तो हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहां पे एक अंकल है तो वो थोड़े से लाइक खड़ूस होते हैं, तो वैसे वाले टाइप के है। तो वो जब भी बोलते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो ताली मार रहे हैं जोर जोर से। मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते होंगे। तो बिल्कुल खास मोमेंट हमेशा याद रहते हैं जो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है। आपके साथ और भी बात करेंगे और भी गाने गुनगुनाएंगे। तो दोस्त हर उम्र में खास होते हैं लेकिन बचपन की दोस्ती सबसे खास होती है, क्योंकि वही तो होते हैं जो आपके पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं, वही तो होते हैं जिनके साथ आपको टीचर्स की डांट भी प्यारी लगती है। और बचपन के दोस्त अगर बड़े होने के बाद भी आपके साथ हो तो जिंदगी सच में खूबसूरत हो जाती है। ऐसी दोस्ती से आपको मिलवाते हैं जिनकी दोस्ती सालों पुरानी है।
बचपन में छुट्टियों में की जाने वाली मस्ती, घंटों बातचीत और हंसी ठिठोले का वो दौर, ये सारे पल हमेशा हमारे चेहरे पर एक खुशी दे जाते हैं। और बचपन का दोस्त अगर बड़े होने के बाद भी साथ है तो वो मीठी यादें हमेशा ही ताजा रहती हैं। ममता और रिंकी, इनकी दोस्ती तब हुई थी जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, जब ये दोस्ती शब्द का मतलब भी नहीं जानते थे। लोग का साथ ही एडमिशन हुआ था एंड वहीं पे हमारा सेम क्लास हो गया, उसके बाद हमारी वहीं से दोस्ती शुरू हुई और अभी 21 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को एंड अभी भी मतलब दोस्ती वैसी ही है जैसे पहले बॉन्डिंग थी, अभी भी वैसी ही बॉन्डिंग है। वो बचपन की शरारत और खेलकूद के बीच ये कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और फिर वो दिन भी आ गया जब इन्हें अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेना था। चेहरे पर उदासी तो जरूर थी लेकिन मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि डिस्टेंस इन्हें कभी अलग नहीं कर सकता। दूर रहने के बावजूद इन्होंने हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया। कई बार अप्स एंड डाउन्स भी आए लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक बार हुआ था कि हमारी फैमिली दोनों फाइट कर रहे थे, देन हम लोग मेरी इनकी मॉम ने और मेरी मॉम ने, हम दोनों की मॉम ने बोला कि एक दूसरे से बात नहीं करना क्योंकि क्योंकि हमारी मॉम बात नहीं कर रही थी। देन आई यूज टू कि नहीं मॉम मैं तो जाऊंगी। और हमारी इसी दोस्ती की वजह से हमारे पेरेंट्स की आपस में फिर से दोस्ती हो गई। आज इनकी दोस्ती को 21 साल हो गए हैं और हर दिन के साथ इनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो रही है। ऐसे ही दो दोस्त हैं भावना और प्रियांशी। दोनों की दोस्ती बचपन के वेकेशन वाली दोस्ती है। एक चंडीगढ़ में रहती थी तो दूसरी देहरादून में, लेकिन वेकेशन में दादी और नानी के घर छुट्टियों में ये मिलते थे। और छुट्टियों वाली ये दोस्ती कब गहरी हो जाएगी किसने सोचा था। ये दोनों भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने की वजह से सालों तक नहीं मिल पाते थे लेकिन इनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई और इसी दोस्ती ने उन्हें एक बार फिर साथ ला दिया। आज प्रियांशी और भावना दोनों एक ही कंपनी में काम करती हैं और एक साथ ही रहती हैं। एक साथ कुकिंग करना, एक साथ मस्ती और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना, यही इनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बनते जा रहे हैं। कि कैसे हम स्विंग से खेलते खेलते कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए और लकीली वी वेंट अप इनटू द सेम कॉर्पोरेट एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत सी चीजें आई। शी वेरी हंबल, शी इज वेरी केयरिंग, मतलब ये अपना ध्यान नहीं रखती कभी। मेरे को अगर जैसे बुखार आ जाता है ना बेबी, सो ही शी, तुम दवाई ली? मैंने क्यों नहीं ले रही है, मतलब मुझे डांटती रहेगी जब तक मैं ले ना लूं, और मेरे को ब्लैकमेलिंग। कहते हैं दोस्ती जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। अगर जिंदगी में सच्चे दोस्त मिल जाएं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर लम्हे खूबसूरत बन जाते हैं और ये बात इनकी दोस्ती से साफ पता चल रही है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, तेरे जैसा यार कहा, ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार। कितिका वर्मा, जी मीडिया। लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी है बैंड चार दोस्तों का, जो हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं। तो अब गुनगुना दीजिए थोड़ा दोस्तों के लिए। तो ये जो हम अगला गाना गाने वाले हैं, हमारी एक फ्रेंड ने लिखा था, हम सब लोगों ने मिलकर कम्पोज किया था और हमने इसमें कुछ थोड़ा सा बॉलीवुड टच भी डाला, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो एक्चुअली गाने हैं, एक्चुअली गाना नहीं है सिर्फ। ठीक
या दोस्ती बताओ तुम जरा, कैसी है दोस्ती बताओ तुम जरा। गोल कपोस्ती खट्टी मिट्टी मिठाई सी है, आइसक्रीम जैसी ठंडी हॉट मिट्टी की कॉफी है, कैसी है दोस्ती बताओ तुम जरा। कैसी है दोस्ती बताओ तुम जरा, बहुत खूब बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया और हमारे साथ लगातार फ्रेंडशिप डे भी आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तराने थे ये। तो फ्रेंडशिप डे पर हर दोस्त अपने स्पेशल फ्रेंड को स्पेशल तरीके से ही विश करना चाहता है, तो चलिए आपको भी सुनाते हैं फ्रेंडशिप डे के स्पेशल विशेस। आई एम टेकिंग आउट माई फ्रेंड्स फॉर डिनर टुनाइट, या दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट एवरी ईयर। आई हैव अ स्पेशल फ्रेंड from last 15 years, her name is Jaya. Happy Friendships Day Jaya, I miss you so much. हमने प्लान किया है कि हम मॉल जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे, एक मूवी देखेंगे एंड वील कट अ केक, फिर उसके बाद पार्टी करेंगे। मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है, उसका नाम भी सेम है आयुषी, एंड आई वुड लव टू सेलिब्रेट इट विथ हर एंड शी इज अ वेरी स्पेशल फ्रेंड। आई विल मेक अ कार्ड फॉर हर एंड गिव हर सम गिफ्ट्स लाइक चॉकलेट्स एंड स्टफ। मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत सारे गिफ्ट सेंड किए हैं बाय द कोरियर, बिकॉज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स। एंड आई हैव ए फ्रेंड एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स एंड सो आई एम मिसिंग हर अ लॉट। ऑब्वियसली हर नेम इज स्वाति, सो आई एम मिसिंग हर। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। फ्रेंडशिप डे मेरे लिए हर दिन फ्रेंडशिप डे होता है, बिकॉज देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड श्वरा। वी आर फ्रेंड्स सिंस क्लास थर्ड, हम लोग थर्ड क्लास से फ्रेंड्स हैं एंड वी कीप ऑन सेलिब्रेटिंग, लाइक वी कीप ऑन मीटिंग एंड या हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू, लॉट्स ऑफ लव। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बिल्कुल, आज वो खास दिन है जब आप अपने दोस्तों का अगर नाराज है तो मना सकते हैं, दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, इस स्पेशल डे को स्पेशल तरीके से मना सकते हैं। हमारे साथ भी चार दोस्तों का जो बैंड है वो भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है और अब हम जाते जाते उन्हीं से सुन लेते हैं उनका बेस्ट जो उन लोगों ने कम्पोज किया है।
ये कॉम्पोजिशन तो फिर भी नहीं है, बट स्टिल ये हम अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हम ये डेडिकेट करना चाहते हैं। मतलब हम अपनी फीलिंग्स इससे एक तरीके से बयां कर सकते हैं कि हम बिल्कुल उनको छोड़ नहीं सकते एंड ऑल। और जैसे हम लोग मनाते हैं, जैसे अभी हम लोग पहले मना के आए और अभी जाएंगे तो दोबारा मनाएंगे उनके साथ में। तो ये गाना है तुम ही हो, बहुत सोलफुल गाना लगता है, तो हम इसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। को दी